वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 जनवरी और ठंड बिल्कुल भी नहीं है गाइस, बारिश का मौसम बन रहा है। तो चलिए हम भी कुछ करते हैं, बाहर जाके खरगोशों को थोड़ा भोजन वोजन देना है, बिल्लियों को निकालना है बाहर। उसके बाद हमें पायल क्या करिए, पायल हो रही है रेडी, देखो रेडी हो गई है। हमारी नंदनी भी हो रही है, कपड़े पहन रही है। रोहित की है तबीयत खराब तो आज वो करेगा छुट्टी, क्योंकि उसे कल से भी तबीयत खराब थी, फिर भी वो गया था स्कूल। परसों भी मैंने भेजा था तो आज नहीं भेजना है, क्योंकि मैम ने मना किया हुआ कि जिसकी तबीयत खराब हो घर पर रहे। और कल क्या, और पायल पी रही चाय। इसके बाद हम चलते हैं पायल के, पायल को स्कूल छोड़ने, वहाँ से फिर आएंगे, नंदिनी को छोड़ेंगे स्कूल, फिर हम बिल्लियों को निकालेंगे क्योंकि वो ऊपर बंद हैं। और वो कहाँ गए पीयू। और अगले हफ्ते जो है एक फरवरी को, शायद एक फरवरी को हमारे पायल का बर्थडे है। तो इसका बर्थडे नहीं मनाएंगे मनाएंगे, मनाना है बर्थडे इसको। तो चलिए एक फरवरी को बर्थडे इसका मनाएंगे। 26 जनवरी को देखते हैं, क्योंकि इंडिया गेट साइड तो पूरा सर्कल बंद है, वहाँ नहीं जा सकते, कहीं और देखते हैं। हो सकता है छुट्टी मेरी हो तो कहीं जाएंगे, अगर नहीं होगी तो ड्यूटी जाएंगे। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, अगर छुट्टी होगी तो चलेंगे, नहीं तो पायल तेरा तो बर्थडे में एंजॉय करेंगे। कितने तारीख को तेरा बर्थडे? 1 फरवरी। 1 फरवरी को आने वाला है, आने वाला है। और उसके बाद 30 अप्रैल को नंदिनी का होता है, 27 जून का मेरे बेटे का होता है, और एक हमारा जो का आपका होता है, है? 5 जून का आपका होता है, और और एक हमारा छोटा सबसे है जो क्रिस, उसका शायद पता नहीं, पता करूंगा कल, फिर बताऊंगा आपको। उसका बर्थडे थोड़ा धूमधाम से और मनेगा, ठीक है यानी हमने रोहित को छोड़ दिया है। हम आ गए हैं रेड लाइट पे, रेड लाइट से राइट होते ही पायल का स्कूल आ जाएगा और हम पायल को भी ड्रॉप कर देंगे। फिलहाल हमने पायल को छोड़ दिया स्कूल, अब मैं जा रहा हूँ नंदिनी को छोड़ने, चलिए घर की ओर। और कल तो वैसे भी छुट्टी है 26 जनवरी की, बट मैंने पायल को छोड़ दिया, अब जा रहा हूँ गाइस। इसके बाद मुझे नंदिनी को भी छोड़ना है, क्योंकि उसका भी अब 2 बजे का स्कूल हो गया, तो उसे 8:30 पर छोड़ना पड़ता है। तो चलिए उसको लेने चलते हैं घर पे, अब मैं जा रहा हूँ फिलहाल घर की ओर। ठंड है नहीं उतनी, लेकिन थोड़ी बहुत है ठंड, अभी हो सकता है बारिश भी हो तो ठंड वापसी आ सकती है, चांस है। ये देखिएगा इस कमल में जाएगा, पहुँच गया वापसी नंदिनी को लेने के लिए। अब देखो नंदिनी आती कि नहीं आती, ऊपर होती है नंदिनी, आओ जल्दी। नंदिनी स्कूटी को मोड़ रही है, देखो जब ठंड कम हो गई जब मुफरा उफरा लगा रही है, देखो वाह रे वाह। चलो मोड़ो जल्दी फटाफट गाड़ी, बेचारी पहले भी नहीं रही स्कूटी चलो चलो। ओहो बैग गिरा दिया, उफला उफला लगा के तैयार हो गई जब ठंड कम हो गई है। ठंड कम नहीं है, आप भी तो कंबल ओढ़ के सो जाओ, क्योंकि ठंड तो कम हो गई। चलिए गाइस इसको छोड़ता हूँ स्कूल और फिर मिलते हैं आगे, दोनों काम हो गए मेरे बहुत। और इसके बाद बिल्लियों को देखना है, क्या बताओ भूखी हो बेचारी। चलो तो चलते हैं। चलिए गाइस, तो हमने बच्चों को तो छोड़ दिया है स्कूल, अब चलते हैं थोड़ा मसाले वसाले ले लें, रिलायंस में जाना है। देखते हैं यार मसाले कहाँ हैं,
गाइस रिलायंस से शॉपिंग होगी, अब जा रहे हैं घर की ओर, घर जा रहे हैं अब गाइस, ड्यूटी भी जाना है, चलिए चलते हैं, अब चलते हैं घर क्योंकि हमने घर का सामान मसाले वगैरह ले लिए गाइस, चलिए चलते हैं अब ड्यूटी। तो फिलहाल गाइस मैं छत पे आ गया हूँ, अब बिल्लियों को देना है खाना, ये देखो दाना इतना बचा हुआ है, फिर पैकेट ख़त्म हो गया, ये देखो आ जाओ आओ आओ इधर आओ इधर आओ, इधर देते हैं तुम्हें खाना। देखिए गाइस तो छत पे आ गया हूँ मैं, बिल्लियों को खाना दे दिया है मैंने, ये देखो खा रही हैं आराम आराम से खा रही हैं, और इस घर में बंद कर देता हूँ, पता नहीं कहाँ से निकल जाती हैं गाइस, अब इनके लिए पिंजरा लेना पड़ेगा, पालता हूँ, या फिर कोई अगर कमेंट में कहे मुझे पालनी है तो मैं उनको दे दूँगा एक बिल्लियाँ, ये देखिए खा रही हैं बड़े। ये वाला बहुत खाता है, इसका और इसके वजन में डबल का फ़र्क है, ये इसको, ये वाला ना इसको मारता है बहुत, ये बिल्ली है ये बिल्ला है। स्कूल गाइस चलिए तो नीचे देखता हूँ रोहित को क्या है, रोहित को शायद तबीयत ख़राब है अभी तक उठा नहीं हो सके, तो चलिए चलते हैं। लेकिन गाइस मौसम बहुत सुहावना है, ना ठंड है और ना ही गर्मी है, क्योंकि मौसम बड़ा साफ़ है, आज है 25 जनवरी, कल है बसंत पंचमी और 26 जनवरी भी है कल, तो वैसे भी गवर्नमेंट छुट्टी है कल, देखते हैं कल अगर मैं कहीं नहीं गया तो कहीं जाएंगे घूमने, इंडिया गेट तो जा ही सकते क्योंकि सिक्योरिटी बहुत है और वहाँ जाना काफ़ी भीड़ होती है, कई रोड बंद भी होते हैं, तो नहीं जाऊंगा मैं, और अगर जाऊंगा तो ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगा, तो आप लोग भी बने रहिए मेरे वीडियो में, हो सकता है कल के ब्लॉग में आपको इंडिया गेट का व्यू मिले। तो चलिए चलता हूँ नीचे, रोहित क्या कर रहा है देखते हैं, अभी डाली खा रही हैं खाना, तो देखते हैं खरगोश के लिए गाजर भूखा है, वो जो काटने वाला खरगोश है काटता है, उसे बंद रखते हैं, तो उन्होंने फ्रिज खोल लिया है, इसमें देखता हूँ गाजर है थोड़ी सी, गाजर देते हैं, ये ले भाई, तो खा रहा है देखो खा रहा है, तो गाइस रोहित को देखते हैं, रोहित ओ रोहित रोहित उठ जा बेटा, बुखार हो रहा है भाई। गाइस कुछ कहना चाह रहा, देखिए पता नहीं क्या ऊपर ऐसे खाना डाला यहाँ आ गया, क्या कहना चाह रहा भाई हैं, क्या कहना चाह रहा तू ये बता, क्या कहना चाह रहा, चलो ये भी आ गई, क्या करे तू भी क्या करे, बहुत छोटी सी भिंडी की तरह इसका वजन है, पता नहीं बहुत कम है उसका, अच्छा वजन है ये, पता नहीं खाती है कि नहीं खाती, खा भी नहीं तो कुछ कर है भाई, इसने कुछ लाने के बाद ही तुम कुछ नहीं खाती क्या, कितनी भोली बनती है, हम एक एक फ़ायदा हुआ हमको, हम तो चूहे से परेशान थे, अब चूहे नहीं है यहाँ पर, डर के मारे अपने आप चले गए, क्योंकि उनको बिल्ली की ना खुशबू आती है, और हर एक कोई अपने दुश्मन को जानता ही है, तो ये फ़ायदा हुआ है। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मिलूंगा मैं कल, चलिए चलते हैं, बाय बाय।